हरियाणा स्टीलर्स सभी सातवें नंबर पर हैं और वॉरियर्स नंबर 10 पर, लेकिन इस मुकाबले को जो भी जीतेगा प्रमोट होगा, टॉप 6 में पहुंचेगा। इस नजरिए से दोनों के लिए बड़ा मुकाबला। विकास कंडोला पहली रेड में शिकार, रन सिंह ने किया काम। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। ये चेन्नई, आशीष ने दोनों को आउट किया। नंबर काफी दूर था रण सिंह का शरीर और उसके बाद लॉबी में पहले चले गए और उसके बाद दोनों डिफेंडर्स ने, नबी बख्श ने और अबूजार ने उन्हें टैकल करने की कोशिश की। लॉबी का प्रकोप आज भी देखने को मिल गया। विकास कंडोला ने क्या ये सुपर रेड की है, विशाल माने तो गए, सुपर रेड आ गई है। बंगाल वॉरियर चैलेंज, रेडर आउट ऑफ बाउंड फर्स्ट, रेडर आउट, आवर डिसीजन, रेडर से 4 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। रेडर को सेव दिया गया है, बंगाल का चैलेंज है कि रेडर पहले आउट ऑफ बाउंड हुए हैं। यहां टच हुआ नहीं प्रवीण को, प्रवीण एकदम अबूजार के दूर के भाई लगते हैं। बहरहाल ये टच हुआ या लॉबी में पहले पैर पड़ा, तो संजयदा पॉइंट अगर बचा भी तो शायद एक बचे या वो भी ना बचे, क्योंकि तीन या चार डिफेंडर लॉबी में भी तो आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर स्ट्रगल हुआ है तो भी और स्ट्रगल नहीं हुआ है तो भी। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर से 4 पॉइंट्स, हरियाणा स्टीलर्स। 4 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। मरिंदर इस बार आउट, बंगाल ऑल आउट। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट 153 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। क्या गजब का मुकाबला चल रहा है मरिंदर से फेंस बार 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हो चुका है। दोनों टीमें 19-19 की बराबरी पर। मोहित पर नजर रखिए, गए मोहित, सुपर 10 भी पूरा किया यहां मरिंदर ने। अबूजार प्रवीण दो मेन डिफेंडर हैं, क्या सुपर टैकल होगा? अगर ऑल आउट होती है वॉरियर्स तो ये बहुत अच्छा मौका है हरियाणा स्टीलर्स के पास। ऑल आउट बंगाल वॉरियर्स, किस गति से निकले विकास कंडोला और फासले को बड़ा कर दिया बंगाल के विरुद्ध। वॉरियर्स अगर इस मैच में हार गए तो जाहिर है उन पर अब दबाव काफी बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ गया है, लीजिए प्रभु। बोनस पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। बंगाल का डिफेंस जब असफल टैकल ज्यादा करता है तो टीम हारती है। बंगाल को आज डिफेंस में मिले हैं महज 4 पॉइंट और असफल टैकल भर भर के हुए हैं। लीजिए एक और। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स, नंबर 1 आउट। तो चलिए ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हो गया। हरियाणा स्टीलर्स पॉइंट्स टेबल में अब नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर 17 पॉइंट के बड़े फासले से हरियाणा स्टीलर्स ने वॉरियर्स को शिकस्त दी है।